हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आज हम यूपी नीट की 2020 काउंसलिंग डेट कब से स्टार्ट हो रही है रजिस्ट्रेशन कौन से डेट से करना है और उसकी फीस क्या होगी और कौन से वेबसाइट पे करना ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे सो so, स्टूडेंट आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी टू थाउजेंड रुपीज और स्टूडेंट फॉर एडमिशन एम बी बी एस बी डी एस प्रोग्राम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन इन सब की रजिस्ट्रेशन डेट फाइव नवंबर से यानी आज से स्टार्ट शाम चार बजे से स्टार्ट हो गई है और स्टूडेंट और आपको ये कौन से वेबसाइट पे करना है तो आपको यूपी नीट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन इस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है सो so स्टूडेंट आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है पाँच नवंबर को पाँच नवंबर से आठ नवंबर के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है इसकी फीस रहेगी दो हज़ार देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 6 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में करना है और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके अकेडमिक uh, सर्टिफिकेट्स रहेंगे कास्ट uh, सर्टिफिकेट और जब आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे उसी टाइम में आपको डिपोजिट सिक्योरिटी फी भी आपको उसका डी भी आपको देना है सो so, फिर छः uh, नवम्बर से दस नवम्बर के बीच में आपकी चॉइस फिलिंग रहेंगे स्टूडेंट आप चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करें बिकॉज आप बाद में चेंज uh, नहीं कर सकते जब आप आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा देन आपका डिक्लेरेशन लिस्ट रजिस्टर कैंडिडेट की 9 no नवंबर का आ जाएगी और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका 11 और 12 नवंबर को आ जाएगा देन आपका अलॉटमेंट नवंबर से 18 नवंबर के बीच में आएगा फिर आपका एडमिशन होगा एडमिशन आपका 12 नवंबर 13 नवंबर 17 नवंबर और 18 नवंबर को आपको एडमिशन करना है सो so स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि आपको जो डिपॉजिट सिक्योरिटी फी देना है तो उसका डीडी कौन से नाम से होगा कौन से बैंक से करना है सो so स्टूडेंट आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस uh, रहेगी आपको जो सिक्योरिटी मनी रहेगी वो थर्टी थाउजेंड रहेगी आपकी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की थर्टी थाउजेंड रहेगी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की टू लैक्स देन प्राइवेट डेंटल कॉलेज की वन लैख और स्टूडेंट ये डी आपको इसका डीडी बनाना है अब आप बोलेंगे डीडी क्या है तो आपके नियर में जो भी बैंक ब्रांच है किसी भी बैंक में जाइए आप और आप उनसे कहे कि आपको डीडी चाहिए ड्राफ्ट ड्राफ्ट सीटीएस बैंक का चाहिए आपको तो वो आपको बोलेंगे कौन से नाम से तो आपको उनको बताना है डायरेक्टेट जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी इस नाम का आपको सीटीएस बैंक का डीडी निकालना है और स्टूडेंट आपको ये जब कब सबमिट करना है तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे अब आप बोलोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करना है तो आपके नियर में जो भी नोडल सेंटर्स रहेंगे वो सेंटर पे जाकर आपको आपकी जब डेट रहेगी वेरिफिकेशन की सिक्स नवंबर को उस टाइम में आपके ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड आपका सिक्योरिटी मनी का डीडी आपको ये वहां पे सबमिट uh, करना वेरिफिकेशन करना है सब चीजों का और स्टूडेंट आप चॉइस फीलिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखें बिकॉज चॉइस फीलिंग अगर आप गलत करते हो मीन्स अगर आपको कोई कॉलेज अलर्ट हो जाए और आपको उसमें एडमिशन नहीं लेना है तो आपको आपका डिपॉजिट नहीं मिलेगा आपको जो आप सिक्योरिटी मनी फी पे कर रहे हो आपको ये रिटर्न नहीं मिलेगा आप इस चीज का ध्यान रखें और आपको वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही ले जाना है जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो और अदर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो सो so स्टूडेंट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज़ लाइक करे शेयर करे और प्लीज 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 सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग